डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर स्थित जेपी सभागार में आज स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों की अवधि के दौरान देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने और भविष्य की रूपरेखा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का रेखांकन करने के उद्देश्य से एक देशव्यापी कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का शुभारंभ माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी की अध्यक्षता में किया गया। प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा? ये जो पूरे भारत में एक अमृत महोत्सव चल रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ जो विज्ञान प्रसार वो देश के 18 स्थानों पर डिफरेंट तरह के कार्यक्रम कर रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा का चयन किया गया है और आगरा के चयन में DRDO की एक लैब है ADRD, उसको नोडल पॉइंट नियुक्त किया गया कि DRDO की ओर से इस जगह पे प्रदर्शनी हम लगाएं। हम जो DRDO ने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं हम उनको यहाँ पे एग्जीबिशन लगाएं, जिससे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो आके ये देखें कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है उसका देश की साइंस और टेक्नोलॉजी में रियल यूज कैसे हो रहा है। जनरली क्या होता है कि हम किताबी बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है जो उन्होंने किताब में पढ़ा है वो रियल वर्ल्ड में कैसे यूज हो रहा है। तो ये हमारा DRDO का ये मिशन है कि हम यंग जो जनरेशन है, क्योंकि वही देश के भविष्य हैं, तो वो जितनी जल्दी इस चीज़ को गैदर करेंगे सीखेंगे वो देश के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ये इस एग्जीबिशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम जो न्यू जनरेशन आए उस जनरेशन को ये अवेयर कराएं कि साइंस की यूटिलिटी कहाँ कहाँ है। और ये जो डिफेंस की एग्जीबिशन है, ये डिफेंस की एग्जीबिशन केवल डिफेंस को हम किस तरह से अपने देश को किस प्रोटेक्शन लेवल पे हाई लेवल तक ले जाएं उसकी अवेयरनेस के लिए एग्जीबिशन लगाई गई। इस एग्जीबिशन में हमारे DRDO की 3 लैब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक कानपुर से है, एक आगरा से है, ग्वालियर से है। तो जो कानपुर की लैब है वो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के ऊपर इतने सारे प्रोडक्ट जो आपने देखे वो डेवलप किए हैं, जो सोल्जर्स के प्रोटेक्शन के लिए है, सभी तरीके के प्रोटेक्शन के लिए है। आगरा जो है वो पैरासूट बेस्ड लेबोरेटरी है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरासूट डेवलप करती है जो एयर स्पेस एप्लीकेशन के लिए काम है। जो ग्वालियर की लैब है वो लाइफ साइंस के ऊपर काम करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ एजेंट होते हैं एजेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं उस तरीके के प्रोडक्ट आपको दिखाया गया। लगभग कितने प्रोडक्ट होंगे इस समय यहाँ पर? कम से कम 50 प्रोडक्ट से ज़्यादा दिखाए गए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज हो रहे हैं। और ये पब्लिक के लिए भी है, ये न्यू जनरेशन के लिए भी है कि DRDO जो इतना भारत का सबसे बड़ा R&D ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम कर रहा है वो बताने के लिए है। वो प्रदर्शनी के माध्यम से जो हम लोग लैब में प्रोडक्ट बनाते हैं उसको लैंड में दिखाते हैं, लैंड से ही वो ये जो लैंड में लेके आते हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से, तो जो स्टूडेंट्स देखते हैं उनके नॉलेज को बढ़ते हैं।